अब देखो बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन है काफी इजी है। कह रहा है कि एवरी इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। बट बच्चों, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल क्या होता है? जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं बच्चों, सारे साइड कह रहा हूँ मैं, सॉरी, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ए, बी और सी, ये सारे एंगल इक्वल होंगे तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। बच्चों ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, है ना, ये टीचर्स देते भी नहीं है। इन ट्राइंगल लिख लेता हूँ मैं, ए बी सी, ए बी सी, राइट? तो एंगल बी क्या होगा? एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ठीक है? तो देखो, एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल ए के, ठीक है ना? तो बस अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो बी सी है ना, वो इक्वल हो जाएगा मेरा ए बी के, बी सी ए बी के इक्वल, और ए बी ए सी के इक्वल, है ना? तो बस अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई जो ट्राइंगल है, यही मुझे प्रूफ करना था। अब जो ट्राइंगल है ए बी सी, क्या है वो? एक इक्विलेटरल है। बस बड़ा बड़ा इजी क्वेश्चन है ये थर्ड वाला भी। अब हम करते हैं फोर्थ वाला।